डीएल की गाड़ी सबसे बड़ी बात। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और फिर से आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जल्दीबाजी में, और ये कोचिंग जाने के लिए लेट हो गया। आज एग्ज़ाम था ना, और 8:30 10 मिनट रह रखा है। ये फूल तोड़ रहे यहाँ पे। तो आज मतलब 3 क्लास नहीं रहेगी, आज एक ही क्लास है बस। क्लास भी क्या, वो एग्ज़ाम है, तो हम एग्ज़ाम देके 1 घंटे में वापस आ जाएंगे घर। फिर आपको उस टाइम पे मिलेंगे और बताएंगे आज का दिन हमारा कैसा कैसा रहता है। और सबसे पहले जो इस चैनल पे भी नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जल्दी जल्दी फ़िलहाल हमें 1K तक पहुँचाना है। और मैं कभी क्या कहना है, आज हर बार की तरह लेट जाती हूँ। आज तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। हाँ मतलब टाइम तो यही हो गया। और सबसे क्लास में तो थोड़ा बहुत लेट भी जा सकते हैं, पर एग्ज़ाम में लेट गए तो 1 घंटे का पेपर होता ना भाई, तो आधे घंटे में निपटा नहीं सकते। निपटा सकते हैं, पर टीचर नहीं समझेंगे हमारी सुपर पावर को। शाबाश, हम जल्दी जल्दी निकलते हैं और मिलते हैं आपको एग्ज़ाम के बाद। तो गाइस, हम आ चुके बाहर और ये रहा हमारे हाथ में एग्ज़ाम पेपर। हमने एग्ज़ाम दे दिया पूरा। और मैं भी कैसे कहते रहे एग्ज़ाम बेकार गया। हाँ पढ़ना नहीं तो कहाँ से जाएगा फिर? अच्छा मेरा देखो अच्छा गया, कि आराम ही हो बेटा। 100 में से आ गए होंगे, 80+ नंबर तो आराम से आ गए होंगे। 80 नंबर तो मैं सोच रहा हूँ ना अपने चैनल का नाम चेंज करूँ। सोच भी क्या रहा हूँ, मतलब ये भी सही है वैसे, बट अगर कोई यूनिक नाम होता तो सही था। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि हम अपना चैनल का नाम चेंज करें कि यही रखें। तो गाइस, हम कोचिंग से घर आ चुके थे और मैंने चेंज भी कर लिया है। और आप बोल लोगे बैकग्राउंड में गुड सुपर की रख रखी है, क्योंकि मेरा दिन पोछा मार दिया पर्सनल, तो इसलिए पीछे रख रखा है। और हिमांशु आ रहा है ना घर पे, तो देखते हैं हम कहीं आते हैं। फिलहाल मैंने बोला ऊपर आ जाए, बट वो ऊपर नहीं आ रहा है, तो हमको यहीं से जाना पड़ेगा। तो फाइनली वाइज हम बाहर आ चुके हैं। आप घर का ब्लॉग देख के पक गए होंगे ना, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर आ जाते हैं। और आज देहरादून में लगी अच्छी खासी धूप, इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने, बारिश लग रही थी और आज पूरी धूप आ गई देहरादून में। पूरी धूप क्या होता है, मतलब आज देहरादून में धूप आ चुकी है। फिर कोई याद है एक बार हमने ट्रैक्टर को धक्का मारा था, इस वाले ट्रैक्टर को। हाँ तो हमने एक बार ना इस वाले ट्रैक्टर को धक्का मारा था। वो क्लिप मैं हिमांशु से ले लूँगा, हैदर में क्लिप पड़ी, तो उस क्लिप को मैं ऐड करूँगा। मतलब एक अंकल थे ना यहाँ पे रहते हैं, इस वाले घर पे रहते हैं, तो उनकी हेल्प की थी हमने इसको थोड़ा। जैसे अभी देखो यहाँ पे खड़ा हो रहा ना, जाम हुआ रहता है, तो उसको धक्का पहुँचा के ऊपर मारना था, क्योंकि जैसे ये मशीन है ना तो बहुत दिनों से यहीं पे है, तो स्टार्ट करने के लिए इसको धक्का मारना पड़ता है। बाहर देश भी होता होगा ऐसे, फॉरन में भी होता होगा ऐसे धक्का मारी गाड़ी स्टार्ट, कि इंडिया में होता है यहीं होता है, यहीं के लोग ऐसे हैं। लोग नहीं है, यहीं के लोग हैं ऐसे क्रिएटिव। जो बाहर से कोई ब्लॉग देख रहा था, देखते होंगे बाहर से। मैं आपको एक बात बता दूँ, जहाँ पे हम अभी खड़े हो रखे ना, मैं दिखाता हूँ आपको, चेकआउट बनाता हूँ। वैसे यहाँ पे एक शादी भी हो रही है भाई, तो मैं बोल रहा हूँ तो इस वाली गली में पहले मैं रहता था, और ये बगल वाला घर है ना, यहाँ आज शादी हो रही है। तो भाई फुल मज़े हैं, पहाड़ों की शादी में तो अलग ही मज़ा है। भले ये देहरादून पहाड़ों में ही आता है, वैसे नहीं पहाड़ों में नहीं आएगा, प्लेन्स में आता है, बट देहरादून में इतना मज़ा नहीं आया। पर जो पहाड़ की शादी होती है ना भाई, रात भर फुल डीजे, फुल म्यूज़िक वगैरह। हम जा रहे हैं रेल की पटरियों में, यहाँ कीचड़ी कीचड़ हो रहा था बारिश से भाई। यस, रिस्पना घूम जाती है। और आपको दिखाते हैं रिस्पना, रिस्पना बहुत दूर पड़ेगा यार हमको यहाँ से, वो तो फ्लाई ओवर है ना। और यहाँ से 100 मीटर दूर रिस्पना फ्लाई ओवर है, तो मेरे लोकल व्यूअर्स होंगे उनको तो पता ही होगा सब वैसे। और ये है कौन सी लाइन, कहाँ जाती है ये वाली लाइन? हरिद्वार, ये जाती है हरिद्वार, इधर साइड के लिए है, सामने के लिए हरिद्वार है, यहाँ से सामने जाएगी हरिद्वार, और पीछे के लिए दिल्ली स्टेशन पे, सहारनपुर चौक जहाँ पे स्टेशन, रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। मतलब पूरे देहरू में एक ही स्टेशन है ना, दो, एक सहारनपुर में सब स्टेशन, हरवाला में, हरवाला में सब स्टेशन। हाँ पूरे देहरादून में दो स्टेशन है बस, मान ले कुछ और भी होगा तो हमारे वेस्ट हो जाएगी। पूरा पक्का पता है, मतलब वही पता है भाई। हाँ हमारे जानने में सिर्फ दो स्टेशन है, एक तो यहाँ सहारनपुर में और एक हरवाला में, सब सब स्टेशन है। तो बस, और सामने हमारे फ्लाई ओवर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है।
फ्लाईओवर दिखाएंगे आपको। वैसे ऊपर से चेकआउट कराना था मुझे आपको, वहाँ से इतना अच्छा व्यू आता ना। चलो चलिए, बट हम आपको नीचे से दिखा रहे हैं आज। तो भाई आगे हैं कुत्ते, और ये कुत्तों से डर रहा भाई, यो कुत्तों से बहुत डरता है। हम जा रहे हैं अब जो जिसपना फ्लाईओवर नहीं है, ऊपर से दिखाएंगे आपको। तो गाइस हम आ चुके हैं इस पना फ्लाईओवर में, और यहाँ से व्यू चेकआउट करोगे ना आप, भाई साहब देहरादून का इतना प्यारा लग रहा ना भाई, क्योंकि यहाँ से लगभग लगभग देहरादून दिखे जाता है। जहाँ से मैं अभी ब्लॉक कर रहा था ना, वो है ये रेलवे लाइन, तो हम वहाँ पे खड़े होकर ब्लॉक कर रहे थे। जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जहाँ मैंने जूम किया ना वहाँ पे थे हम अभी। फिर मैं सोच रहा था वहाँ से नीचे नीचे आऊँगा। अब हम आपको दूसरी साइड जाकर दिखाते हैं अभी। तो दूसरी साइड आपको चेकआउट करा दे कि कैसा है, और दूसरी साइड का व्यू देखो भाई, देख रहे हो आप। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, मंदिर का नाम मुझे तो नहीं पता, मैं कभी आया नहीं था मंदिर पे। तो पास में ही ये मंदिर पड़ता है, कौन सा मंदिर होगा, नाम लिखा है इस पे कहीं? पहली बार देखो, यहाँ पे गाड़ियों की पूजा करवाते तो यहाँ से। मुझे मंदिर का नाम तो नहीं पता, पर मैं काफ़ी बार ही, क्योंकि मैं आया नहीं ना कभी इस मंदिर में, बट यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है यार, पूरी हरियाली हरियाली है, थोड़ा बहुत खेत भी ना इधर साइड, तो देहरादून में सारे जंगल उड़ा दे लोगों ने तो। और इस गाड़ी का देखो भाई, एक्सीडेंट हुआ होगा उस फ्लाईओवर पे, तो क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ियाँ बहुत स्पीड में चलती है, तो पता नहीं क्या सीन हुआ होगा इस गाड़ी के साथ, ऐसा तो नहीं पता। ये डीएल की गाड़ी, सबसे बड़ी बात तो मतलब बाहर की गाड़ियाँ ना ओवर स्पीड करती है यार यहाँ, तो सबसे पहले तो यही है कि बाहर की गाड़ियाँ थोड़ा स्लो भी क्या, बट अपने हिसाब से चलो यार, मतलब दूसरों को नुकसान ना पहुँचे ऐसा चलो। क्या वहाँ पे लिख रखा भी है 60 की स्पीड, मतलब फ्लाई ओवर 60 की स्पीड ओवर स्पीड करते हैं ना भाई, तो ऐसे सीन होता है। और साइज का ना जहाँ तक मुझे पता है, इसका टायर पे देखो क्या हो रखा है, इसका टायर फट गया, मतलब इसका टायर फट गया, और देख सकते हो आप इसका से निकल रखा और गाड़ी से निकल गया होगा। मेरे हिसाब से तो टाइम टाइम पे सर्विस करानी चाहिए गाड़ियों की, जिनके पास भी गाड़ियाँ भाई, मतलब रेगुलर ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी में कुछ हुआ तो नहीं, यानी तो यही हाल होता है जैसे गाड़ी के साथ हुआ है, उसके अंदर टायर ही फट गया, वो भी ओवर स्पीड होगी ना भाई, तो सोच लो टायर फटना भाई कहीं भी पलट सकती थी वो, तो उसने भी व्यूअर था भाई, ध्यान रखना है बात। और बस यहाँ से चलते अब कुछ Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track। तो गाइज मैं फाइनली घर आ चुका हूँ, और आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा था जिसके बर्थडे में हम जा रखे थे, तो आपको उससे मिलवाते हैं हम। आप अरमान कैसे हो अरमान? अच्छा। मस्त एकदम। और क्या कर रहे हो, पैंट पहन रहे हो क्या? आती पहन नहीं पहनो तो कैसे पहन दे बताओ, क्या होता है ये हा? क्या होता है गाइस गाइस प्लीज मेरे मामा जी के गाइस मेरे मामा जी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, थैंक यू उसके लिए थैंक यू मेरा। गाइस अभी अरमान को गाड़ी आंदा हो, ये देखो क्या कर रहे हैं आप, स्कूटी यहां नीचे स्कूटी नीचे है, चल दिखा दो उधर को, मैं दिखा दे रहा हूं उधर को, नीचे तो चले नहीं होगा ना मेरे दोस्त, तो ऊपर आ जाइए। पार्टी करने जा रहे हैं मामा भाई, स्कूटी में चार थोड़ी ना जाएंगे मामा, मेरे कपड़े ला दो फिर, नहीं लाऊंगा चल मैं नहीं आऊंगा, मैं यहीं पे आऊंगा मैं नहीं लाऊंगा, चल देख तो ले तेरे को घर का रास्ता तो पता है, अगर वहां जाऊंगा ना तब मैं जा रही बस पार्टी जा रहे भाई, पार्टी करने घर थोड़ी ना जा रहे, पार्टी करने मेरे को फोन आ रहा है, हेलो हाँ भैया आ रहा हूँ आ रहा हूँ, वो देखो पार्टी करने अरेंजमेंट करके देखो पार्टी आ रहा हूँ, एक मेरे साथ आ रहा है अरमान और मैं आ रहे बस, चलो ठीक है ठीक है आ रहे हैं, देखो चल जल्दी चल पार्टी बोल दी मैंने, बात हो गई मैं भी आ रहा हूँ, देखो देखो मैंने बोल दिया पार्टी करने जा रहा हूँ, ठीक है आ रहा हूँ मैं अभी आऊँगा थोड़ी देर में आऊँगा, अभी जाओ ले जाओ ले जाओ, अभी यार लेट हो रही मेरे को, स्कूटी यहाँ खड़ी है नीचे पे खड़ी नहीं रहती स्कूटी, तू आना मत, हाँ तू वापिस आ जाना, हाँ स्कूटी की चाबी ये देख,
ठीक है बाय बाय कर दो ठीक है ठीक है मैं यहीं पर हूँ। वैसे सीन ऐसा था कि वो सोच रहा उसे घर ले जा रहे ना तो वो जा नहीं रहा था तो हमने उसे बोला कि हम पार्टी करने जा रहे हैं तो इस बहाने से वो घर जा रहा भाई अब वैसे ना मेरी बहुत अच्छी लगती ना तो उसका मन कर रहा है कि यहीं रह लूँ बट उसके स्कूल था ना तो इसलिए हमें उसे भेजना पड़ रहा है। तो गाइस बस आज के ब्लॉग बस नहीं रखते हैं तो आपने ब्लॉग में देखा होगा कि हमने क्या किया आज के डे में तो बस इतना ही करते हैं हम ज़्यादा था नहीं कुछ दिखाने को तो आज के ब्लॉग बस नहीं रखते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय।